हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग नया चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ कंटिन्यू कीजिए अपने नोटपैड में या बुक में। तो जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो चैप्टर है ना, उसके मैं दो पार्ट बना देता हूँ। एक जो रेगुलर प्रॉब्लम्स आते हैं, जो सम्स आते हैं, वो पार्ट नहीं करने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, इसका एक प्रोफोमा होता है कि ये बिल दिखता कैसा है, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक में प्रोफोमा है और एक में सम्स है। हम लोग फिलहाल सम्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस वीडियो में क्या कवर कर रहे हैं? प्रोफोमा। प्रोफोमा बनाते कैसे? ठीक है, तो पहले मैं बता दूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज हैं इस चैप्टर में। जैसे नॉर्मल मूवीज में हीरो हीरोइन होते हैं, है ना, वैसे इस चैप्टर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी दो कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, पहले कैरेक्टर्स का नाम है ड्रॉवर। ये ड्रॉवर कौन है? पहले तो मैं बता दूं, नॉर्मली ड्रॉवर को तुम लोग जानते हो सेलर। ठीक है, जो सेलर होता है ना, वही इस चैप्टर में ड्रॉवर होता है। ठीक है, वैसे ड्रॉवर का डेफिनेशन अगर तुम्हें लिखना है तो मैं बता दूं तुम लोगों को, है द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। ठीक है, ड्रॉवर वो इंसान होता है जो बिल ड्रॉ करता है। ठीक है, ओके, बेसिकली ड्रॉवर सेलर होता है जो माल बेचता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मेन नाम है इसमें, वो है हमारा ड्रॉवी। अब ड्रॉवी कौन होता है, मैं तुम लोग को बता दूं, बेसिकली ड्रॉवी एक बायर होता है जो माल खरीदता है। ठीक है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है वो है द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। ठीक है, जो बंदा बिल ड्रॉ करता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं, जो उसको एक्सेप्ट करता है, साइन करता है, उसे हम लोग ड्रॉवी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या तुम लोगों को इतना पार्ट समझ में आ गया है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ड्रॉवर ड्रॉवी समझ में आ गया। अब मैं तुम लोगों को इसका जो छोटा सा स्टोरी है वो मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली होता क्या है पता है क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन में? सपोज ये है मिस्टर ए और सपोज ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने ए के पास गए, सपोज इनका एक स्टोर है, इनके स्टोर से कुछ खरीदा जिसे हम लोग बोलते हैं गुड्स। ठीक है, मिस्टर बी ने ए के पास से क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। जब ए बी ने ए के पास से गुड्स खरीदा, तो बदले में बी को ए को क्या देना चाहिए था? कैश। ठीक है, जिसे हम लोग कैश ट्रांजेक्शन बोलते। अगर ये चीज़ होता तो बी के पास से कैश जाता, ए के पास से गुड्स जाता। ठीक है, ए बी को क्या देता? गुड्स। और बी ए को क्या देता बदले में? कैश। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में ना कैश नहीं देता है बी। बी के पास पैसे नहीं है। बी क्या करता है? बी के पास पैसे नहीं है। बी क्या बोलता है कि मैं आपको अभी पैसे नहीं दे सकता, मैं आपको पैसे बाद में दूंगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार पे। अब मुझे बताओ, ए क्या बी के ऊपर ऐसे ही भरोसा करके उसे माल उधार पे दे देगा? नहीं, उसे कुछ प्रूफ चाहिए कि बी ने ए से माल खरीदा है। सपोज जैसे बी बोलता है कि मैं एक महीने के बाद पैसे दूंगा, तो क्या गारंटी है कि एक महीने के बाद बी भाग नहीं जाएगा और पैसे देगा? और इस बात का क्या प्रूफ है कि ए ने बी को माल बेचा था और उसे पैसे लेने हैं? तो इसी के लिए ना, ये जो ए है, देखो ए ने माल बेचा था ना, ए बेसिकली कौन है फिलहाल? सेलर। और बी बी ने माल खरीदा था, तो बेसिकली बी कौन है फिलहाल? बायर। ठीक है, अब बिल बनना शुरू होगा। ठीक है, बिल बनाएगा कौन? ए बनाता है बिल। ठीक है, इसलिए ये क्या बन जाता है? ड्रॉवर। ठीक है, अगर ये ड्रॉवर है तो जो साइन करने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो एक्सेप्ट करने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉवी। ठीक है, तो ये बन गया ड्रॉवर, ए बन गया ड्रॉवर और बी बन गया ड्रॉवी। ठीक है, अब हमें जो बिल ए बनाने वाला है उसका प्रोफोमा, कि वो होता कैसा है, दिखता कैसा है, वो इस वीडियो में सीखना है। ठीक है, एग्जाम में वो बनाने के लिए बोलते हैं, तो हमें उसे परफेक्ट बनाना है। अगर परफेक्ट बना दिया तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसका स्पेसिमेन और उसका प्रोफोमा होता कैसा है। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले जो बिल होता है उसके यहाँ पर होता है स्टैंप। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? स्टैंप। यहीं पे नीचे हम लोग एक कॉलम बनाते हैं अमाउंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? नेम ऑफ
ड्रॉवर, इसी के नीचे ड्रॉवर का एड्रेस भी हम लोग को एग्जाम्पल में दिया रहता है, वो यहाँ लिख देते हैं। बिल डेट, जो बिल डेट है ना वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। फिर एक सेंटेंस है जो हमें रेटाफाई करना पड़ता है, ठीक है। टू मंथ्स, माइंड यू जो टू मंथ्स है ना ये चेंज होता रहेगा सब में, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग पहली बार कर रहे हैं तो मैं इसको टू मंथ्स को टू मंथ्स रहने देता हूँ फिलहाल के। फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। टू मंथ्स आफ्टर द डेट पे मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, मैं डॉट डॉट डाल रहा हूँ क्योंकि जो अमाउंट दिया होगा उसको यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। ये सेंटेंस है जो हर सम में कॉमन रहने वाला है हम लोग को। ये जो टू मंथ्स मैंने दिया ना ये बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये जो टू मंथ्स है ये चेंज होता रहेगा, ओके ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर एस डी, एस डी स्टैंड फॉर उसका सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर आता है ड्रॉवर का, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर आता है ड्रॉवर का। फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नाम ड्रॉवी का, ठीक है, नेम ऑफ ड्रॉवी। यहाँ पर आता है एड्रेस किसका, ड्रॉवी का, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर हम लोग करते हैं एक्सेप्टेड, यहाँ पर फिर से एस डी, इस बार साइन आएगा ड्रॉवी का। और इसके नीचे हम लोग बिल जब एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्ट करने का डेट लिखते हैं। जब बिल एक्सेप्ट करने का जो डेट है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। बस ये बन गया हमारा, यही है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफोमा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये है प्रोफोमा। इसे हम लोग एक लेआउट बना देता हूँ मैं, आप लोग को भी एक लेआउट बनाना है। एक बिल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ओके ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है उसका प्रोफोमा। अब मैं एक एग्जांपल के साथ तुम लोग को बता देता हूँ कि हमें करना क्या है, एग्जांपल में क्या दिया रहेगा और हमें सॉल्व कैसे करना है। तो हम लोग एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सपोज ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ है ड्रॉवर, ड्रॉवी। ये सब इन्फॉर्मेशन सामने से क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। बिल डेट, बिल अमाउंट, बिल ड्यूरेशन, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद पहले मैं ड्रॉवर का नाम हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अजय, अजय शर्मा, ठीक है। इसके साथ इसका एड्रेस भी दिया है आगे, मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम एड्रेस ले लेता हूँ, सेक्टर 10 B31 फ्लैट नंबर 1401 शांति नगर, ठीक है। वैसे ही विजय के लिए एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ विजय शर्मा, सेक्टर 5 एग्जाम्पल है, A1 01 शांति नगर, ठीक है। बिल डेट, ये बिल किस दिन बना था, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 15 जून 2000। बिल अमाउंट कितने का है, सपोज 25,000। बिल ड्यूरेशन कितने महीने बाद पैसा मिलने वाला है, मैं लिख देता हूँ 3 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद बिल एक्सेप्ट कब हुआ, उसका भी डेट हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। बिल एक्सेप्ट कब हुआ था, ठीक है। बिल एक्सेप्ट हुआ है सपोज 17th of June 2000, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन दिया, इसकी मदद से हमें क्या बनाना है, इसकी मदद से हमको बनाना है एक बिल, ठीक है। क्वेश्चन में नीचे ऐसा बोला रहेगा, प्रिपेयर प्रिपेयर अ प्रोफोमा, प्रिपेयर अ स्पेसिमेन या प्रोफोमा ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका प्रोफोमा बना देते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम, जैसे मैं तुम लोगों को बोला, हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर हम लोग को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर आएगा सबसे पहले स्टैम्प। यहाँ पर देखो बिल अमाउंट 25,000 है ना, वो हमको यहाँ पर फिगर्स में लिखना है, ठीक है, 25,000, ठीक है। यहाँ पर किसका नाम आएगा, यहाँ पर नाम आएगा ड्रॉवर का। तो आप मुझे बता सकते हो ड्रॉवर कौन था? देखो ड्रॉवर का नाम था अजय शर्मा, एड्रेस दिया सेक्टर 10 B31401 शांति नगर। ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ लिखेंगे, ये यहाँ पर एग्जैक्टली स्टैम्प के सामने लिख, यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। अजय शर्मा, उसके बाद उसका एड्रेस क्या दिया था हमें, सेक्टर 10 B31। मैं भी लिख देता हूँ सेक्टर 10 B31, फ्लैट नंबर 401, शांति नगर, 401 शांति नगर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने तुम लोग को एक सेंटेंस लिखवाया था, 2 months after the date। इसमें 2 months नहीं लिखना है, हर समय 2 months कॉमन नहीं रहने वाला, ये चेंज होता रहेगा। जैसे इस समय क्या बोला है, कितना दिया है हमने इसमें, इस समय हमको दिया है 3 months। तो हम लोग भी क्या करेंगे, क्वेश्चन में जाएंगे नीचे जाके, यहाँ पर जाके हम लोग इस बार लिखेंगे 3 months। 3 months हम लोग को वर्ड्स में लिखना है, ओके, यहाँ पर फिगर्स नहीं यूज करना है। 3 months आफ्टर द डेट पे मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, अच्छा 25,000 यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था फिगर्स में, यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है सेम, जैसा आपने चेक में देखा होगा, चेक में हम लोग फिगर्स में वर्ड्स में दोनों में लिखते हैं, ठीक है। सो इट वॉज 25,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, फॉर द वैल्यू रिसीव, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा SD, यहाँ पर मैं तुम लोग को बता दूँ, मैंने तुम लोग को बताया था यहाँ पर ड्रॉवर का सिग्नेचर आता है, इसमें ड्रॉवर का नाम क्या है, अजय शर्मा। उसके बाद यहाँ कहीं पे हम लोग को किसका नाम लिखना है, ड्रॉवी का, करेक्ट, ड्रॉवी का नाम आने वाला है यहाँ पर स्पेसिमन वाइज। पहले ड्रॉवी का नाम तो पता कर ले क्वेश्चन में ऊपर जाके, विजय शर्मा सेक्टर 5 A1। पहले हम लोग ये इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं यहाँ पर, ओके, चलिए चलो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा ये साइड से, विजय शर्मा, विजय शर्मा विजय शर्मा सेक्टर 5 A1, ओके, विजय शर्मा सेक्टर 5 A1, B31, शायद एक बार मैं चेक कर लूँ, B31 था, नहीं सॉरी B131 तो इसका था, A1201 शांति नगर, ओके, सो इट्स A1201 आई गेस, एक बार देख लूँ, एंड शांति नगर, करेक्ट। सो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, शांति नगर, विजय शर्मा सेक्टर 5 A1201 शांति नगर, ठीक है। यहाँ पर फिर हमें लिखना है एक्सेप्ट जो उसने किया है, एक्सेप्टेड SD, यहाँ पर हमें किसका सिग्नेचर लिखना है, यहाँ पर आएगा साइन ड्रॉवी का, ड्रॉवी का नाम जैसा तुम लोग को पता है क्या है, विजय शर्मा,
और जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया, कौन से दिन एक्सेप्ट किया था, जरा देख देख ले हम लोग। हमने किया था 17 जून, 17 जून। तो चलिए हम लोग भी कर लेते हैं 17 जून, डेट डाल देते हैं 17th of June साल सेम 2000। और फिर सेम लेआउट बनाना पड़ेगा इसको। इसे हम लोग एक लेआउट में डाल देते हैं। देन मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। सेम यहाँ पर भी आके हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके दैट्स इट, बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बस तो इस वीडियो में हम लोग को सिर्फ इतना ही सीखना था कि ये जो प्रोफोमा होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो कैसा दिखता है। वापस से मैं तुम लोग को बता दूं, यहाँ पर हम लोग किसका नाम एंड एड्रेस लिखते हैं, करेक्ट, ड्रॉवर का, ठीक है। ये स्टैम्प एज इट इज रहता है, ये जो अमाउंट है हर समय बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। वापस से बता दूं, ये जो 3 मंथ्स मैंने लिखा है ये स्टैंडर्ड नहीं रहने वाला, ये चेंज होने वाला है। 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, कितना भी आ सकता है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे का जो सेंटेंस है, आफ्टर द डेट पे मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ, ये जहाँ तक सेम है, सम ऑफ रुपीज, ये जो पार्ट है ना ये भी बार बार चेंज होता रहेगा। 25,000, ये डिपेंड करता है सब में अमाउंट कितना दिया। 20,000 होता तो 20,000 लिखते, 30,000 होता तो 30,000 लिखते, फिर फॉर द वैल्यू रिसीव सेम रहने वाला है। फिर यहाँ पर हम लोग किसका सिग्नेचर आता है, ड्रॉवर का सिग्नेचर आता है। यहाँ पर हम लोग किसका नाम लिखते हैं, यहाँ पर नाम लिखते हैं हम लोग, करेक्ट, ड्रॉवी का, उसका नाम एड्रेस वगैरह वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग एक्सेप्टेड एसडी, फिर वापस से ड्रॉवी का, सॉरी, यहाँ पर वापस से ड्रॉवी का नाम, और फिर लास्ट में बिल एक्सेप्टेड का डेट। याद रखना यहाँ पर हम लोग बिल एक्सेप्टेड का डेट लिखते हैं। तो एक चीज तुम लोग ने नोटिस की होगी कि मैंने 2 डेट दिए थे जिसमें से मैंने सिर्फ एक ही डेट लिखा हो। ये रहा, ये वाला डेट कहाँ आएगा, 15 वाला जून वाला, ये वाला जो डेट है 15 जून का, ये कहाँ आएगा, ये 15 जून, ये बिल डेट है। ये बिल डेट हम लोग मेंशन करते हैं ड्रॉवर के नाम के साथ, और ड्रॉवर का नाम यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बिल डेट मेंशन कर देता हूँ। ओके ये रहा बिल डेट, ठीक है। तो बिल डेट यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, बिल डेट आएगा 15th of June साल 2000, आई गेस, यस, 15th June 2000, ठीक है। तो बिल डेट आता है ड्रॉवर के नाम के साथ यहाँ पर जब बनता है, एंड एक्सेप्ट जब होता है तो उसका डेट हम लोग कहाँ लिखते हैं, उसका डेट हम लोग लिखते हैं यहाँ नीचे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। अगले वीडियोस में हम लोग ये सीखेंगे कि इसका जो सम है वो कैसे होता है, ठीक है। ये याद रखना, जो ड्रॉवर वो होता है जो माल बेचता है और बिल ड्रॉ करता है। ड्रॉवी कौन होता है, जो माल खरीदता है मगर उसके पास पैसे नहीं होते उसे देने के लिए, तो वो उधार पे माल खरीदता है एंड फ्यूचर डेट पे उसको रिटर्न करने के लिए प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। ओके चलिए, बाय, थैंक यू।